यदि है मांग तो उनका जेन्यून है तो हम तो उनके साथ रहेंगे ही, लेकिन वो किसी भी तरह का हॉस्पिटल में उपद्रव ना पैदा करें, तोड़फोड़ ना पैदा करें, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दें। ये हड़ताल हमने आज किया है हमारे स्टाइपेंड रेस के लिए। हमारा स्टाइपेंड जो कि 490 रुपये प्रति महीने प्रतिदिन के हिसाब से हमें 14,700 प्रति महीने दिया जाता है, उसे बढ़ाकर हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि उसे 35,000 कर दिया जाए। बिहार में आज मुजफ्फरपुर के साथ बिहार के जितने भी अन्य सरकारी मेडिकल चिकित्सालय हैं जो कि PMCH, NMCH, दरभंगा, बेतिया, पावापुरी, हर मेडिकल कॉलेज में ये हड़ताल किया गया है। जो ये जो हमारा हर साल का एक स्टाइपेंड का ये हर दो से तीन साल पर रिवाइज होना चाहिए, जो 7 साल से रिवाइज नहीं हुआ है। इवन कोविड के समय भी हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया। खाली करो मतलब बार भगा रहे हैं और लोग धरना दे रहे हैं, तो हम लोग का भी मांग है जल्द से जल्द हल किया जाए, खोला जाए। हम लोग परेशान है ना, अभी सबका जो नंबर लगा था सबका आगे पीछे हो गया। हम अगर 6 बजे से आए तो हमारा नंबर अभी पीछे हो गया, क्योंकि लेने ही नहीं है। हम बुखरा से आए हैं, मालूम सीतामढ़ी बुखरा से आए हैं। अलग मीटिंग करें ना, यहाँ तो सारा मरीज अपना उनके सैलरी के लिए सारा मरीज मर जाएंगे, सारा भाड़ा किराया लगा कर है। लाइन 12 बजे तक लाइन लगाएंगे, माने 9 से पुर्जी करता है ना, तो 1 बजे इसमें लाइन में लोग रहा था, और 2 बजे डॉक्टर रुक जाता कब इलाज कराएंगे। 13 अगस्त को करवाया था, नहीं देख रहे हैं, कितना दूर दूर से आदमी आया है यहाँ, पब्लिक का कोई यकीन नहीं है। दो 500 रुपया भाड़ा खर्चा करके जो आया कहाँ से आए? मैं हाजीपुर से। हम लोग शिवहर से आए। क्या? शिवहर जिला से आए। कौन आए? आप शिवहर से आए? तो पेपर पर नहीं पढ़े बंदी है, पेपर में कहाँ दिया हुआ है? पेपर में दिया। स्ट्राइक पे है, काफी दिनों से हमारी हक की लड़ाई चल रही है। हम लोग अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आसपास के राज्य में जो स्टाइपेंड है वो हमारे राज्य की तुलना में ज़्यादा है, 28,000, 31,000, अमूमन 25,000 प्लस सब में है। और इसीलिए हम अपने स्वास्थ्य मंत्री से ये आग्रह करेंगे कि हमारी मांग को जितनी जल्द हो पूरी की जाए, वरना हम लोग अनिश्चित काल तक स्ट्राइक पे रहेंगे। इसका मांग वाजिब है, डॉक्टर लोग को मिलना चाहिए, लेकिन जो दूर दराज से आए हैं हम लोग पेशेंट है, आए हैं दूर से, देखिए अभी सदर हॉस्पिटल से रेफर हो के आए हैं, लेकिन कहना मतलब मेरा दुख नहीं, बहुत ऐसा हजारों लोग आए हुए हैं, उनको भी इमरजेंसी में पुर्जा कटना चाहिए। पैसा लोगों को, गरीब लोग को खर्चा हो रहा है, यहाँ तो गरीबी लोग ना आते। इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड का हो गया, कहे आजकल 5 दिन में आइएगा, 7 दिन में आइएगा, करते करते हम कहे बैठ गए। अब हमको 8 दिन से इतना है जो हमको कहे पेशाब उतरबे नहीं करता है, कहते रात में नींद नहीं होता है। आज OPD बंद है, सीनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। तो पेपर ऊपर पढ़ के नहीं आया है कि आज ना? नहीं, हम तो कुछ जानते हैं नहीं। कहीं कहाँ से आए? कहीं और आई ब्लॉक देखिए ना, वो तो पटक दिया, लर्मा से आए हैं। अब 100 रुपया एमहर से ला गया, 100 रुपया उधर से ला गया। अब देखिए कि बाँह टूट गया हुआ, वो तो पटक दिया हुआ, जा कहाँ खुल देते हैं, वहाँ कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बोर्ड से कि मरीज देखा गया है, अब वो बच्चे हैं, अब सरकार से उनकी मांग है कि उनकी स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। महंगाई बढ़ी है, मांग तो उनका जेन्यून है, तो हम तो उनके साथ रहेंगे ही, लेकिन वो किसी भी तरह का हॉस्पिटल में उपद्रव ना पैदा करें, तोड़फोड़ ना पैदा करें, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दें, वो अपना आवेदन दें, हम सरकार को प्रसारित करेंगे। तो अभी मैं जाके फिर उनको समझाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन होने दें, चूँकि दूर दराज से मरीज जो आए हैं उन्हें दिक्कत तो हो रही है, और उनकी मांग तो सरकार से है, इसमें मरीज का क्या दोष है, मरीज का काम होने दें। जो आपको दिखाता है सच का आईना।